दोस्तों, भारत की इस पवित्र धरा पर समय समय पर कई महापुरुषों का अवतरण होता रहा है, जिन्होंने भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में आध्यात्म व दर्शन का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया और मानव जीवन का सही मायनों में अर्थ बताया। आध्यात्मिक संतों व महापुरुषों की इसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक काल के महान संत श्री रमण महर्षि की। विश्व विख्यात भारतीय संत श्री रमण महर्षि का जन्म दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत के तिरुचल्ली नामक छोटे से कस्बे में श्री सुंदरम अय्यर के घर हुआ। इनके पिता वकील व माता एक धर्मनिष्ठ महिला थीं। इन्हीं के संस्कारों का बालक के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। हिंदुओं के पवित्र दिन आरुद्रा दर्शन 30 दिसंबर 1879 को उनका जन्म हुआ। प्रत्येक वर्ष इस पावन दिन को भगवान नटराज शिव की मूर्ति को जन सामान्य दर्शन हेतु मंदिर से बाहर निकाला जाता है, ताकि लोग शिव के अनुग्रह को महसूस कर सकें। शहर भर में यात्रा के बाद मूर्ति पुनः मंदिर में प्रवेश करती है। ठीक उसी क्षण महर्षि रमण का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम वेंकट रमण था, जो बाद में समस्त विश्व में भगवान श्री रमण महर्षि के रूप में जाने गए। जीवन के आरंभिक वर्षों में वेंकट रमन भी एक साधारण बालक की तरह ही थे। पढ़ाई में उनका मन ज्यादा नहीं लगता था, जबकि उनकी बुद्धि व स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता का देहांत हो गया। ऐसे में वे अपने चाचा के यहाँ मदुरे चले गए तथा वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की। स्कूली शिक्षा की ओर वे गंभीर नहीं थे, परंतु उन्हें संतों व महर्षियों की जीवनियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ी, वैसे वैसे उनका चिंतन भी गहन होता गया और वे शाश्वत सत्य को जानने की ओर बढ़ने लगे। उनका मंदिरों में जाना बढ़ने लगा। वे घंटों मंदिरों में बैठ देव प्रतिमाओं को निहारा करते थे, अतः वे पढ़ाई में पिछड़ने लगे। जिन रहस्यों को वे खोजना चाहते थे, वे बड़े गूढ़ थे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने मृत्यु पर चिंतन किया। वे जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या चेतना भी समाप्त हो जाती है या अन्यंत्र कहीं चली जाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए चिंतन करते करते वे थक गए, परंतु उन्हें उत्तर नहीं मिला। इन सभी प्रश्नों ने उन्हें बहुत बेचैन किया और एक दिन घर छोड़कर अरुणाचल को चल पड़े। अरुणाचल एक पर्वत है, जिसे अन्नामलाई, अरुणागिरी, सोनगिरी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह पर्वत तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई शहर में स्थित है। अरुणाचलम अथवा अरुणाचल को दक्षिण के प्राचीन साहित्य में अति पवित्र होने के साथ साथ ज्ञान के प्रकाश से रोशन पर्वत के रूप में भी माना जाता है। रमण महर्षि ने अपनी तपस्थली के रूप में इसी स्थल को चुना था। अरुणाचल पहुंच वे अपनी गहन साधना में लीन हो गए और चरम सत्य की खोज व चिंतन करने लगे। लंबे समय तक समाधि में बैठे रहते, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। केश व नाखून लंबे हो गए, परंतु उनका चिंतन कार्य विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपने शरीर में पत्थर की सी दृढ़ता उत्पन्न कर ली थी। महर्षि रमण एक सिद्ध पुरुष थे, मौन ही उनकी भाषा थी। अनेक विद्वान उनकी सेवा में आते और समाधान लेकर जाते थे। उन्हीं विद्वानों ने रमण गीता आदि कई पुस्तकें लिखीं, जिसमें महर्षि की अनुभूतियां तथा शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। महर्षि को अरुणाचल के महायोगी के नाम से भी जाना जाता है। जिस गुफा को महर्षि ने अपनी साधना का केंद्र बनाया, बाद में वहीं पर उनके शिष्यों द्वारा रमण आश्रम का निर्माण कराया गया। यहीं पर 14 अप्रैल 1950 को उनकी मृत्यु हुई। महर्षि कोई परंपरावादी रूढ़िगत योगी नहीं थे, साथ ही उनका कोई गुरु भी नहीं था। केवल अपने भीतरी मार्ग के अनुसरण से आत्मज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि मौन ही रहते थे। बोलने की अपेक्षा परेशान व्यक्ति को चुपचाप देखते रहते थे और अपने आप धीरे धीरे उस व्यक्ति का रोना चीखना बंद हो जाता था। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अधिक शांत व मजबूत बनकर लौटता था। मैं कौन हूँ, यही महर्षि की पूरी खोज थी। यही उनकी यात्रा और पूरी मंजिल थी। अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करते रहो, देखो कि मैं का विचार कहाँ से आरंभ होता है। लगातार ध्यान का अभ्यास करते रहो, विचारों को रुक जाने दो, आखिरकार तुम्हें अपना लक्ष्य मिल जाएगा। अतः आज भी महर्षि अपने भौतिक शरीर के त्याग के बावजूद रमण आश्रम में काम कर रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। आज भी कई लोगों द्वारा आश्रम में उनकी उपस्थिति को महसूस किया जाता है। दोस्तों, आशा है कि आप समझ गए होंगे कि महर्षि रमण कौन थे। धन्यवाद।